हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 7 अक्टूबर 2019 के बेस्ट करेंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि आज सोमवार है तो आज साप्ताहिक 47 की अगली कड़ी आएगी। आप रिवीजन के दृष्टिकोण से उसे अवश्य देखें। भारत सरकार किस वर्ष तक भारत को प्लास्टिक मुक्त करने का वादा किया है? तो भारत सरकार ने कहा है कि 2022 तक प्लास्टिक मुक्त कर दिया जाएगा इंडिया को, खास करके सिंगल यूज प्लास्टिक का। ठीक है, और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस ओर एक कदम बढ़ाइए। बीते दिनों किसने सिंगल यूज प्लास्टिक को बिटुमिन में परिवर्तन करने की घोषणा की है? देखिए, बिटुमिन आप जानते हैं जिससे वो सड़क बनती है, तो ये इंडियन ऑयल ने घोषणा किया है जी। इंडियन ऑयल ने सड़क बनाने के लिए सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको बिटुमिन में परिवर्तन करने की घोषणा की है। ठीक है, वैसे तमिलनाडु सरकार ने सड़क बनाया भी है इसको यूज करके। बीते दिनों राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने गूगल के साथ किया है जी। ठीक है, NHA इसको बोलते हैं, नेशनल हेल्थ एजेंसी, और इन्होंने गूगल के साथ समझौता किया है। गूगल के CEO का नाम बताइए। बीते दिनों भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2019 के 14वां संस्करण का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलो में किया जा रहा है? तो मैं बता दूं कि ये नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ होता है जी। मैंने कई दफ़ा रिविज़न करवाया है, फिर से थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं, लेकिन आपको हिमाचल प्रदेश के बकलोह भी याद रखना पड़ेगा। उत्तराखंड में चल रहा है किसके साथ? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चल रहा है जी। चलिए फटाफट रिवीजन कीजिए। चाइना के साथ हैंड इन हैंड होता है, बांग्लादेश के साथ संप्रीति होता है, नेपाल के साथ सूर्य किरण, USA के साथ युद्धाभ्यास करते हैं और वज्र प्रहार करते हैं, म्यांमार के साथ इम्बैक्स, मलेशिया के साथ हरिमो शक्ति, इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति, वियतनाम के साथ बिम्बैक्स, जापान के साथ धर्म गार्डियन, थाईलैंड के साथ मैत्री और UK के साथ अजय भौरिया। ठीक है, आगे बढ़िए। बीते दिनों किस मंत्रालय ने पर्यटन पर्व 2019 के अवसर पर भारत को 12 स्थलों के लिए ऑडियो गाइड, ऑडियो वॉइस की सुविधा लॉन्च की है? तो ये पर्यटन मंत्रालय ने किया है जी। ठीक है, ऑफकोर्स पर्यटन पर्व के अवसर पर इन्होंने 12 स्थलों के लिए पर्यटन के लिए ऑडियो गाइड लॉन्च किया है। राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, लेकिन इनके पास स्वतंत्र प्रभार है, इंडिपेंडेंट चार्ज। बीते दिनों युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है NBCC ने जी। NBCC का पूरा नाम आप जानेंगे, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसके साथ ही खेल मंत्री ने समझौता किया है। खेल मंत्री कौन है, युवा और खेल मंत्री बताइए आप। इस समझौते का उद्देश्य मणिपुर के इम्फाल में राष्ट्रीय खेल विद्यालय, यह आपको याद रखना चाहिए, विकास के परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करना है। ठीक है, और इसके लिए 400 करोड़ रुपये का अनुबंध किया गया है। तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ है, किस राज्य में? मणिपुर के इम्फाल में। बीते दिनों डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता टाटा कम्युनिकेशंस ने किसे कंपनी के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो यह है अमूर एस लक्ष्मी नारायण ने टाटा कम्युनिकेशन के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इससे पहले ये TCS में थे जी। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में। चलिए आप मुझे बताइए कि TCS के अब चेयरमैन कौन है, टाटा के चेयरमैन बताइए। बीते दिनों किसे भारतीय वायुसेना के दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं जी एयर मार्शल SK घोटिया, इनका फोटो देखिए, यही हैं एयर मार्शल SK घोटिया, और ये जगह लेंगे HS अरोड़ा के। आपको पता है HS अरोड़ा उप प्रमुख बनाए गए हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है जी। ठीक है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया इनके प्रमुख बने हैं और HS अरोड़ा, जैसा कि मैंने अभी बताया, उप प्रमुख बने हैं वायुसेना के। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बीते दिनों चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल जीते हैं एंडी मरे जी। ध्यान रखिएगा, चाइना ओपन होता है टेनिस में, और एंडी मरे जो कि इंग्लैंड के हैं, इन्होंने जीता है। इनका फोटो देखिए, इन्होंने ही पुरुष एकल का खिताब जीता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, चाइना ओपन के ही टूर्नामेंट में महिला से। तो चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये हैं जापान के, अब समझ गए होंगे आप, जापान के हैं नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने चाइना ओपन के महिला वर्ग का खिताब जीता है जी। चलिए इस साल कुछ ज़्यादा टेनिस में जो हुए हैं टूर्नामेंट, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। यूएस ओपन राफेल नडाल जीते हैं जी पुरुष में, ठीक है। रोजर्स कप टेनिस टूर्नामेंट 2019 बियांका एंड्रीस्कू जीते हैं। विंबलडन ओपन जीते हैं जोकोविच, नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन जीते हैं राफेल नडाल। इटालियन ओपन जीते हैं राफेल नडाल। मैड्रिड ओपन जीते हैं नोवाक जोकोविच। मियामी ओपन जीते हैं रोजर फेडरर। तो एक बार इसको आप देख लीजिए, बीच बीच में ऐसे रिवीजन करते रहिएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। सवाल का जवाब लेंगे अब, सवाल 165 का जवाब लेंगे। बीते दिनों ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किसे कंपनी का नया MD और CEO नियुक्त किया है? तो ये हैं जी सुशील चंद्र मिश्रा। आपने बहुत सही आंसर किया है, ठीक है, सुशील चंद्र मिश्रा। आगे बढ़ते हैं और आज का सवाल लेते हैं। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो इसका आंसर लिखिए, और चूंकि मैंने इसका थीम कल नहीं बताया था, तो आप अगर बता सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कल तो मैं पक्का बताऊंगा इसको, इसका थीम। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप साप्ताहिक 47 के वीडियो जरूर देखें, थोड़ा सा डिले आएगा, 12 बजे तक आ जाएगा, तो उसे आप रिवीजन के लिए जरूर देखें। नमस्कार।